बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को उपाधि और मेडल दिए गए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित होने पर भाजपा के संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि इस उपाधि को पाकर और अधिक समाज सेवा की जिम्मेदारी मिली है। कोरोना का संकट दोबारा बढ़ने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार की नियमावली पर लोग पालन करें तो इस पर विजय प्राप्त करेंगे। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त कराई है। आज मैं इसका संदेश ऐसा मानता हूँ कि मुझे और अधिक सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने प्रवृत्त किया है और मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज के प्रति संवेदनशील होकर अपने चिकित्सा धर्म को निभाने का काम करें और नए नए रिसर्च उस क्षेत्र के अंदर करें जिसके कारण से भारत आरोग्य मुक्त हो, यही मेरा संदेश है। अभी पोल्यूशन के कारण से और ठंड के कारण से कुछ कोरोना के मरीजों के बढ़ने की संभावना है, लेकिन सरकार ने जो उसके लिए नियमावली तय की है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इसका पालन करेंगे तो हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे और उसका परिणाम भी देश भर के अंदर आ रहा है, वो खतरे का कोई कारण नहीं है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बेहतरीन काम कर रही है। कोरोना काल के दौरान मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के काम को भी उन्होंने सराहा। ये वास्तव में अब ये रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, बन गई है और बहुत अच्छे ढंग से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी काम कर रही है। उसका ये मैं समझता हूँ तीसरा वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज वास्तव में आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का विश्वविद्यालय के लोगों ने काम किया है जो वास्तव में देश की सेवा में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगकर काम कर रहे हैं, आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी। न मेडिकल की तो बहुत आवश्यकता है और वैसे बात सही है कि इस कोरोना के काल में मेडिकल में जितने भी लगे थे, पैरा मेडिकल भी और डॉक्टर्स भी, सब ने जिस ढंग से काम किया है, स्वयं प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है कोरोना वॉरियर्स के नाम से। अच्छा काम किया है, जवाबदेही के साथ काम किया है और जहाँ कहीं भी हम गए हमने देखा है इन लोगों का काम अच्छा और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा कि मेडिकल की डिग्री लेने वाले सभी छात्रों को यही संदेश दिया है कि आपका काम मानवता की सेवा के लिए है, लिहाजा धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। कार्यक्रम आज हुआ था, एक कन्वोकेशन था, तीसरा कन्वोकेशन था बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, और बच्चों को हमने यही संदेश दिया है कि जैसे भगवान ने ऊपर इंसान को बना के भेजा है, आपको इंसान की सेवा के लिए भेजा है। क्योंकि इंसान की सेवा के लिए भेजा है आपको, तो इंसान की सेवा में ही लगना है। मरीज़ हर धर्म जाति से ऊपर होता है, वो मरीज़ होता है, उसकी परेशानी होती है, और जब वो परेशान होता है तो डॉक्टर को भगवान मानता है, नर्स को बहन मानता है, तो उनको उसी भावना के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। और जितने लोगों ने आज डिग्री ली है, हमने सबको उनको यही संदेश दिया है कि आप मानवता की सेवा के लिए हैं, आपका धर्म भी मानव है, आपका धर्म ह्यूमैनिटी है, तो आप उसी भावना के साथ सबकी सेवा करें और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ें, देश की तरक्की में आगे बढ़ें और देश को भी खुशहाल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और कोरोना के समय आपका सबसे बड़ा योगदान सब लोगों ने दिया है, तो उसको आगे तक बनाए रखें और इस प्रोफेशन की भी डिग्निटी और इसकी एक अच्छाई को बना के रखें, जिससे लोग इस प्रोफेशन के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो। क्योंकि सरकार भी हमारी इसी दिशा में काम कर रही है कि हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हों, तो हेल्थ सर्विस इंप्रूवमेंट करने के लिए हम सबका भी योगदान जरूरी है, जो छात्र पास होकर निकले हैं उनका भी योगदान जरूरी है, तो समाज सेवा में लगे, यही सबसे बड़ा हमने उनको संदेश दिया। उधर मेडिकल की डिग्री पाने वाले स्टूडेंट्स में भी उत्साह देखने को मिला। मेरा नाम डॉक्टर शिविका गुप्ता है, मैं MS गायनी हूँ, मैंने आज गोल्ड मेडल जीता है MS गायनी में। मैं जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं स्पेशली MS गायनी करने के लिए बरेली आई थी इस कॉलेज में। कॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा मैसेज सब लोगों के लिए यही है कि हम लोग डॉक्टर बनते हैं इस चाह से कि हम लोग सबकी सेवा करें और बिना किसी स्वार्थ भाव के हम लोग चाहते हैं हम पेशेंट्स की रक्षा करें, उनके बारे में सोचते हैं। और हम मेरा बस यही मोटिव है कि विमेन हेल्थ जो होता है वो सबको
100% प्रोवाइड की जाए, कोई भी ऐसी हमारी महिला ना रहे जिसकी जिसको जो गर्भवती हो या जो किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो उसको हेल्थ केयर की फैसिलिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे अब डिग्री मिली, अब मेरा यही एम है कि मैं हेल्थ केयर, वुमेन हेल्थ केयर को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाऊँ। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद दानिश में आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एंड रियल गोल्ड मेडल The Bareilly International University has awarded me. I am very lucky. I am studying in this university. The all teachers are very good. They are providing the best teaching in medical field. And I am want to thank you, first of all, the God and my parents and my great teachers. Thank you very much. Actually, I am Dr. Sanya Zia, and yes, today I was awarded the gold medal, the real gold medal, and I'm very thankful to my parents and of course the faculty which is behind here, and I'm very happy. इस दौरान प्रो चांसलर अशोक अग्रवाल समेत प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर किरण अग्रवाल भी मौजूद रहीं।